Hello friend, good afternoon. Welcome to YouTube channel Construction Management. Friend, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि RCC वाल कैसे चौड़ा किया जाता है। ड्राइंग के मिस्टेक होने की वजह से इसको चौड़ा किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सिविल लाइन से जो भी जुड़ी हुई बात है आप सभी भाइयों तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं सिविल लाइन से जुड़ी हुई जानकारी देते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रिल मशीन तो आप जानते ही होंगे, ड्रिल किया गया है। इसमें ड्रिल करके जैसे 12 mm का स्टील डालना है तो इसमें 14 mm का ड्रिलिंग हुआ है। देखिए पूरा देख सकते हैं, इसका साइज है 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। डिजाइन के लिए ये बनाया गया रहा है। इसमें वाल छोटा पड़ गया है, जिसके वजह से पहले ड्रिलिंग किया गया है, उसके बाद से एयर ब्लोअर एक आता है मशीन छोटा सा, जो ये होल को जो है ना साफ करके उसके बाद से ये केमिकल गन के द्वारा लगाया गया है। गन भी दिखा देंगे कि इसमें कौन सा गन इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हो सकता है हुआ है। तो अगर गन भी नहीं रहता है तो उससे भी काम हो जाता है, ऐसे लकड़ी पर मिला करके इसको लगाते हैं। देखिए ये कितना केमिकल ये कितना स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ा भी हिलता नहीं है, और स्टील को पूरा जाम कर दिया गया है। और ये कंसल्टिंग की तरफ से ये केमिकल अप्रूव है, और ये काम रिपेयरिंग वाला काम जो भी है इसको भी कंसल्टेंट जो है आकर के चेक करके अप्रूव कर दिया है कि ठीक है इसको कास्टिंग कीजिए। तो सेटर लगा करके इसको कास्टिंग किया जाएगा। तो दोस्त, इसमें फ्यूचर में कभी भी ये कमज़ोर नहीं होगा। वो रिपेयर तो रिपेयर ही होता है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं होगा। जो भी बना हुआ है ये आपके सामने है, और ये अच्छा है, अप्रूवल हुआ है, पास हो गया है, इसको हम लोग सेटर कर देंगे। इसलिए इसको सेटर करेंगे कि इस पर कंक्रीट करना है। थोड़ा बहुत तो प्लास्टर से मेंटेन हो सकता था, लेकिन ये 15 सेंटी इसको एडिशनल करना है, मतलब जोड़ना है 15 सेंटी। 15 सेंटी तो बहुत हो जाता है। इस पर जो है कि हेवी GRC का पीस आएगा, 2-2 क्विंटल, 3-3 क्विंटल का, इसीलिए इसको प्लास्टर का बस का बात नहीं है। तो ये इसी को रिपेयरिंग बोलते हैं दोस्त। और इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं कि ये केमिकल है। देखिए इसमें ट्यूब भी है, और ये इसका इलेक्ट्रिकल ट्यूब देखिए, इसमें खोल करके दिखाएंगे तो हाथ फंसा हुआ है, ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये एक रेड कलर का है, ये रेड कलर का, इसमें दोनों तो कलर ब्लैक ही है, लेकिन एक रेड कलर का है और ये भी ये ब्लैक कलर का है। दोनों इस नली में को टाइट करके इसमें, और उसके बाद से गन द्वारा इसको और प्रेस करेंगे तो ये इधर से निकलेगा, और मिक्स होकर के करीब ऐसे मिक्स हो जाता है तो ये रेड कलर का बन जाता है। इसको सूखने में मिनिमम 10 मिनट जो है टाइम लगता है, और इतना हार्ड हो जाता है इसके बाद कि इसको हथौड़ा भी मारेंगे तो ये नहीं टूट सकता है। तो सर, वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि कुछ रिपेयरिंग ऐसा, हर चीज़ का रिपेयरिंग होता है, लेकिन ये RCC का रिपेयरिंग है, और किस तरह से हुआ है इस वीडियो में आप लोग देख ही रहे हैं। और इससे ज़्यादा जानकारी आप सभी भाइयों को क्या दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी चैनल जो है ग्रोथ हो जाए। ओके, थैंक्स।